हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं फिर से एक नए दिन के साथ आपके साथ हूँ और ये मेरी मॉर्निंग ड्रिंक, ये बहुत ही अच्छी मॉर्निंग ड्रिंक है। आपको कोई भी ऐसी इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक लेना चाहिए बारिश में, ये अच्छा होता है, आपको बीमार होने से बचाता है। अब ब्रेकफास्ट की बारी है। ये ब्रेकफास्ट में मैंने एक आलू का पराठा लिया हुआ है और साथ में मैंने लिया हुआ ये दही, इसमें मैंने गुड़ डाला हुआ है। ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे खाने में। आप मीठे के लिए चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिड इवनिंग की बारी है। मिड इवनिंग में मैंने ये वन मैंगो लिया है, छोटा मैंगो चॉप करके, और साथ में ये ग्रीन टी ली है। ग्रीन टी भी बहुत गर्म है, पहले मैं मैंगो इन्जॉय करूँगी, ठंडी होने के बाद मैं ग्रीन टी लूँगी। अब मेरी लंच की बारी है। ये लगभग 50 ग्राम जितना मैंने पनीर लिया हुआ है। इसके साथ में सौते भिंडी है, इसको मैंने बहुत ही कम तेल में बनाया है, और ये मेरा खीरे का रायता है, ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे और ये काफ़ी फुलफिलिंग रहेगा, आपको शाम तक भूख नहीं लगने देगा। अब बारी आती है, अब बारी है मेरे मिड इवनिंग की। तो मैंने ये लिया हुआ है लैया चना, और इसमें थोड़ी सी मूंगफली डाल ली है मैंने, और साथ में ये गुड़ वाली चाय। ये गुड़ वाली चाय मुझे बारिश में और सर्दी में बहुत पसंद है, मैं इसे खूब इंजॉय करती हूँ। अब बारी आती है हमारे डिनर की। तो ये डिनर में मैंने 2 चम्मच जितना वुमेन हॉर्लिक्स एक ग्लास में डाला है। ये मैं कभी कभी ले लेती हूँ, वुमेन हॉर्लिक्स भी मुझे अच्छा लगता है, रेगुलर बेसिस पर नहीं लेती हूँ, पर मैं कोई भी सप्लीमेंट मैं रेगुलर बेसिस पर नहीं लेना प्रेफर करती हूँ। और फिर मैंने ये डाल दिया है इसमें बॉइलिंग मिल्क, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये एक सैम्पल डाइट प्लान है, आप चाहें तो और दिनों के जो ऑप्शंस हैं उनको एक दूसरे के साथ स्विच करके अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपना दिन शुरू कर सकते हैं। और साथ ही गर्म दूध हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, नींद अच्छी आती है। थैंक यू।